गुजिया के वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, लेकिन मैं आज आप सबके लिए पांच बेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे हम अपने हाथों से इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और वो देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो हमने डो रेडी किए हैं गुजिया बनाने के लिए, उसे हम इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे इक्वल पार्ट्स के। उसके बाद हम बॉल्स को इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा चिकना करके उसे बिल्कुल पूरी की तरह रोल कर लेंगे, जैसे कि हम पूरी रोल करते हैं। हमें अपने सारे बॉल्स को इस तरीके से रोल कर लेने हैं बिल्कुल पूरी के शेप में, जैसा कि हम पूरी रोल करते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उसे शेप देना। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाली डिज़ाइन सीखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले दो पूरियाँ लेंगे और उसे हम इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से ग्लास की मदद से कट कर लेंगे। कोशिश करें कि इस वाली डिज़ाइन के लिए जो हमारी पूरियाँ हैं उसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी ही कट करें, इसीलिए मैंने इसे ग्लास से कट किए हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें जो भी स्टफ़ करना हो इस तरीके से इसमें स्टफिंग कर ले, जैसा कि मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको। फिर किनारों पे हम पानी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पानी अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप पानी अप्लाई नहीं करते हैं तो आपकी जो गुजिया है वो तलने समय पे खुल जाएगी। तो इस तरीके से हम चारों तरफ पानी अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर हम दूसरी पूरी उठा के इस तरीके से रखेंगे और किनारों को हम इस तरीके से दबा के इसे हम एक दूसरे से चिपका देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम एक फोक की मदद से इस पर हम इस तरीके से चारों तरफ निशान लगाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। निशान जो है वो थोड़ा साइड से ही लगाएं, क्योंकि अगर आप इसे अंदर से लगाते हैं तो जो हमारा फिलिंग है वो फ्राई होने समय निकलने के चांसेस रहेंगे। फिर उसके ऊपर एक चाकू से हम इस तरीके से कट लगाएंगे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे। आप देख सकते हैं मैंने दो लाइन छोड़े हैं, उसके बाद फिर एक कट लगाए हैं। तो बिल्कुल आप भी इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे कट लगा लें और कट भी बिल्कुल किनारे से ही लगाएं, उसे अंदर ना ले जाएं, नहीं तो फिर क्या होगा, हमारी जो फिलिंग है वो फ्राई होने समय पे निकलने लगेगी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कैसे मैं इसे दो फिंगर की हेल्प से जो हमने कट लगाए थे उस दोनों किनारों को एक दूसरे से मैं जोड़ रही हूँ, तो वो जो है एक फ्लावर के शेप में बन जा रहा है। तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, बस जो हमने कट लगाए हैं उन दोनों किनारों को पकड़कर बस ऐसे हम जोड़ देंगे। तो देखिए हमारा जो फ्लावर गुजिया है वो बनके रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है और इसे बनाना भी कितना आसान है। तो चलिए अब हम दूसरा डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये वाली डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पूरी को अपने हाथ पे इस तरीके से लेंगे और फिर उसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे। तो इस तरीके से स्टफिंग उसमें कर ले और फिर उसके बाद किनारों पे हम पानी अप्लाई करेंगे। पानी अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी जो गुजिया है वो तलने वक्त खुल जाएगी। फिर उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखें कैसे मैं इस तरीके से इसे कोनों से जोड़ रही हूँ, तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करने हैं। दोनों जो हमारे किनारे हैं उन दोनों को पकड़ के बस हमें एक दूसरे से चिपका लेने हैं। किनारों को हम एकदम अच्छे से प्रेस करते हुए दबाएंगे ताकि ये जो हमारे किनारे हैं वो अच्छे से सील हो जाए। डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक कॉर्नर से इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर की हेल्प से इसे हम प्रेस करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और फिर प्रेस करेंगे। सेम प्रोसेस जो है हमें पूरे गुजिया पे अपनाना है। अब देख सकते हैं कैसे मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किए और फिर प्रेस किए, इस तरीके से फोल्ड किए और फिर प्रेस कर दिए। बस इस तरीके से आप पूरे गुजिये पे कर ले, आपकी एक बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पे जो हमारी जो डो है वो थोड़ी सी बचती है एंड में, उसे हम इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इसे फोल्ड करके छोड़ भी सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि मैंने दोनों किनारों को इस तरीके से हल्के हाथों से फोल्ड करके जोड़ दिए हैं। ऐसा करने से हमारा जो गुजिया है वो एक दिए के शेप में आ जाएगा। तो बस आपको भी इस तरीके से फोल्ड करके दोनों किनारों को जोड़ देना है। आप देख सकते हैं ये कैसे दिए के शेप में आ गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको दिवाली पे गुजिया बनाना है तो ये वाली डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगती है दिवाली पे। तो चलिए अब हम ये वाली डिज़ाइन देख लेते हैं। तो उसके लिए हम सेम प्रोसेस से इस तरीके से स्टफिंग करेंगे और उसके बाद हम किनारों पे पानी अप्लाई करेंगे और पानी अप्लाई करने के बाद इसे हम एक दूसरे किनारे से अच्छे से जोड़ देंगे प्रेस करते हुए फिंगर से।
डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम दोनों फिंगर के नेल्स की मदद से इस तरीके से उसमें हम कट लगाएंगे, फोल्ड करेंगे और कट लगाएंगे, फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर के नेल्स की मदद से हम इसमें कट लगाएंगे। बस यही सेम प्रोसेस हमें पूरे गुजिया पे अपनाने हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे फोल्ड किए और इस पर मैंने कट लगाए, तो बस आपको भी ऐसे ही करने हैं। इससे हमारी एक जो है एक गुजिया पे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आ जाएगा और ये वाली डिज़ाइन जो है वो बैक से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो डिज़ाइन है वो कितनी सुंदर बन रही है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। देखिए हमारा ये वाला भी डिज़ाइन बन के रेडी है और ये बैक से भी कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम ये वाली डिज़ाइन सीखते हैं। तो इसके लिए हम एक पूरी इस तरीके से अपने हाथ पे लेंगे और सेम प्रोसेस से हम इसमें स्टफिंग करेंगे और स्टफिंग करने के बाद इस पे पानी अप्लाई करेंगे और पानी अप्लाई करने के बाद हम दोनों किनारों को पकड़ते हुए इसे अच्छे से प्रेस करते हुए एकदम अच्छे से जोड़ देंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक कॉर्नर से इस तरीके से यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे जैसा कि हमने लास्ट वाले डिज़ाइन में किए थे। फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर की हेल्प से हम यहाँ पे बस प्रेस करके छोड़ देंगे। फोल्ड करेंगे और बस दोनों फिंगर की हेल्प से प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। लास्ट वाले डिज़ाइन में हमने फोल्ड करके कट लगाए थे, इस वाले डिज़ाइन के लिए हमें फोल्ड करके बस प्रेस करने हैं। तो आप देखिए कैसे ये कितनी सुंदर एक डिज़ाइन बन रही है। तो आपको सेम प्रोसेस पूरे गुजिए पे अपनाने हैं तो आपकी भी एक सुंदर सी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएंगे। सेम प्रोसेस हमने दिया वाले डिज़ाइन के लिए भी किए थे, तो हमें बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बनाने हैं। आप देखिए कि हमारा ये वाला डिज़ाइन भी बन के रेडी हो चुका है और हमारा ये डिज़ाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। गुजिया की ये वाली जो डिज़ाइन है वो एक बेसिक डिज़ाइन है बट देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो चलिए फ्रेंड हम अब लास्ट वाली डिज़ाइन देख लेते हैं। ये है चंद्रकला गुजिया डिज़ाइन। इसके लिए हम एक पूरी इस तरीके से अपने हाथ पे लेंगे और स्टफिंग करेंगे। कोशिश करें कि इस डिज़ाइन के लिए भी जो हमारी पूरी है वो थोड़ी साइज में छोटी हो। पानी अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर हम दूसरी पूरी रखेंगे जैसा कि हमने फ्लावर वाले में किए थे। तो सेम साइज की एक दूसरी पूरी लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से रख के किनारों पे अच्छे से प्रेस करके अच्छे से फिंगर से दबाकर हम बंद करेंगे और फिर उसके बाद हम इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक तरफ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने फोल्ड किए और फिंगर की हेल्प से बस हमें प्रेस करना है, फोल्ड करना है, प्रेस करना है जैसा कि हमने लास्ट वाले डिज़ाइन में किए थे। सेम बस हमें फोल्ड करने हैं और प्रेस करने हैं, वो खुद ब खुद राउंड शेप में आने लगेंगे। तो देखिए कैसे मैंने फोल्ड किए और बस प्रेस किए, फोल्ड किए और बस प्रेस किए। ये वाली भी डिज़ाइन जो है वो गुजिया के लिए बहुत ही परफेक्ट है, मीन्स बहुत ही सुंदर लगता है। जब हम चंद्रकला गुजिया बनाते हैं तो उसके लिए हम ये वाली ही डिज़ाइन चूज़ करते हैं क्योंकि चंद्रकला गुजिया के लिए ये वाली डिज़ाइन जो है वो सबसे बेस्ट है। जब आप फर्स्ट टाइम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो डिज़ाइन बनाने में, लेकिन अगर आप एक बार डिज़ाइन सीख जाते हैं तो फिर आप इसे बहुत ही फास्ट बना लेंगे और फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस डिज़ाइन को बनाने में। तो देखिए हमारा ये वाला भी डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है और ये कितना सुंदर लग रहा है। तो सारे डिज़ाइन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लावर वाली डिज़ाइन बनाएंगे। सेम प्रोसेस से हम उसकी स्टफिंग कर लेंगे जैसा कि हमने पहले किए थे। दूसरी पूरी को हम इस तरीके से उसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से फिंगर से प्रेस करके दबा लेंगे। फिर एक फोक की मदद से हम इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाएंगे जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं और फिर एक नाइफ की मदद से इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे उस पर आप कट लगा लें और फिर जहाँ पे हमने कट लगाए थे उन दोनों को किनारों को पकड़ते हुए इस तरीके से हम एक दूसरे से जोड़ लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। शेप देने के बाद उसे आप हल्के हाथों से इस तरीके से हाथों पे उठा लें और फिर उसके बाद इस तरीके से आप फिर से उसे शेप दे सकते हैं तो आपकी जो फ्लावर की जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आएगा। दूसरा वाला डिज़ाइन भी हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम चंद्रकला वाला डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके लिए हम दो पूरियाँ यूज़ करेंगे, स्टफिंग करेंगे और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम दबाकर अच्छे से प्रेस करके एक दूसरे को अच्छे से जोड़ लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बस फोल्ड करके हम दोनों फिंगर से उस पर बस प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और बस प्रेस करेंगे। यही सेम प्रोसेस हमें पूरे गुजिए पे अपनाने हैं।
ये वाला भी हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और वो देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा डिज़ाइन देख लेते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हम सेम प्रोसेस से अपने गुजिया को स्टफ़ कर लेंगे और स्टफ़ करके उसे हम रेडी कर लेंगे। उसके बाद डिज़ाइन बनाने के लिए हम एक कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम दोनों फिंगर की हेल्प से प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। ये वाली डिज़ाइन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो हमारे एक बेसिक वाली जो डिज़ाइन है बिल्कुल सेम है। तो बस इसे हम फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। और फिर इसके बाद इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन जाए तो हम दोनों किनारों पे थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और पानी अप्लाई करने के बाद हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से दोनों किनारों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है एक दिए के शेप में आ जाएगा। और देखिए हमारा जो दिया शेप गुजिया है वो बन के रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए हम सेम प्रोसेस से स्टफिंग कर लेंगे और स्टफिंग करने के बाद हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक कॉर्नर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर की हेल्प से इस तरीके से हम कट लगाएंगे, मीन्स फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर के नेल से इस तरीके से कट लगाएंगे। सेम प्रोसेस हम पूरे गुजिए पे अपनाएंगे। ये वाली डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। वैसे आपको जो आसान लगे वो आप डिज़ाइन बना ले, सारी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। अब हमारा ये वाला डिज़ाइन भी बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन भी कितना सुंदर लग रहा है। ये डिज़ाइन जो होती है वो आगे और पीछे दोनों साइड से बहुत ही सुंदर बनती है। तो चलिए एक लास्ट डिज़ाइन फिर से देख लेते हैं। तो पूरी को हम सेम प्रोसेस से स्टफ़ कर लेंगे और एक कॉर्नर से हम इस तरीके से पहले फोल्ड करेंगे और दोनों फिंगर की हेल्प से प्रेस करेंगे, फोल्ड करेंगे और प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फोल्ड किए हैं और दोनों फिंगर की हेल्प से प्रेस किए हैं। बस फोल्ड करना है और प्रेस करना है। सेम प्रोसेस हमें पूरे गुजिए पे अपनाने हैं। ये वाली डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनती है, क्योंकि ये गुजिया की बेसिक डिज़ाइन है। ऑलमोस्ट जितने भी डिज़ाइन होते हैं सारे इसी डिज़ाइन पर बेस्ड हैं। तो आप देखिए कि हमारा ये वाला डिज़ाइन भी बन के रेडी हो चुका है और ये कितना सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारा सारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सारे डिज़ाइन कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो गुजिया के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, लेकिन ये पांच डिज़ाइन जो है वो सबसे बेस्ट है गुजिया के लिए। तो आप भी इसे इस तरीके से अपने घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। और फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताएं कि आपको ये मेरी सारी डिज़ाइन कैसे लगे। और अगर आपको और भी डिज़ाइन सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से बताएं, मैं आप सबके लिए और भी डिज़ाइन लेकर आऊँगी। हमारा जो गुजिया है वो पूरी तरह से गर्म ऑयल में फ्राई करने के लिए रेडी है। जैसे आप गुजिया फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसे फ्राई कर लें। और अगर आपको मावा गुजिया की पूरी रेसिपी चाहिए तो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद हमारे जो सारे गुजिया हैं वो कितने अच्छे दिख रहे हैं और कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइनर गुजिया। तो इस फेस्टिवल आप भी इसे अपने घर पर बनाएं और अपने फैमिली के साथ इन्जॉय करें। और फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपीज़ आप सबको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।